हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन तक कंप्लीट कर लिया था, पारिस्थितिकी अननोन क्रिया या अभिक्रिया तक, ठीक है। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी पॉपुलेशन के गुण हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम ज़्यादा होती रहती है, तो कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, किसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होती है, और दो मॉडल्स हैं जिन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स बोलते हैं, तो उनको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि पॉपुलेशन होता क्या है। वैसे मैंने इकोलॉजिकल हायरार्की जब आपको समझाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है, लेकिन फिर से जल्दी से हम उसको समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है। देखो, पॉपुलेशन किसी एक एरिया की होती है, तो कोई भी एक एरिया, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इसमें कोई स्पीसीज, मान लीजिए कोई ए स्पीसीज है, ए बी सी कोई भी स्पीसीज हो सकती है, एनिमल स्पीसीज हो सकती है, प्लांट स्पीसीज हो सकती है, माइक्रोबियल स्पीसीज हो सकती है, उसके पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने नंबर्स पाए जाते हैं उस स्पीसीज के, वो उस एरिया की पॉपुलेशन है। जैसे मान लीजिए ए स्पीसीज है, ए स्पीसीज के इसमें इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, ए स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहे हैं, और हमसे पूछे कि इस एरिया की पॉपुलेशन, इसके साथ साथ इसमें बी स्पीसीज भी रह रही है, ठीक है, एक्स स्पीसीज भी इसके अंदर रह रही है, एक्स भी यहां पे है, तो हमसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इस एरिया की ए की पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में ए के कितने नंबर से उनको काउंट कर लेंगे और बता देंगे कि एक्स वाई जेड इतने नंबर है ए के, वो उस एरिया की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक स्पीसीज, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे एक्स हो, ठीक है, उनके पर यूनिट टाइम कितने नंबर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उस समय पे उस पॉपुलेशन के कितने नंबर्स हैं, ठीक है, उस स्पीसीज के कितने नंबर हैं, वो उस एरिया में उस स्पीसीज की पॉपुलेशन कहलाती। तो जनसंख्या, अब मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं तो हिंदी में कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या इसको समष्टि भी बोला जाता है। समष्टि क्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी एक जाति के कितने लोग रह रहे हैं, वो उस जाति की क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गई पॉपुलेशन की डेफिनेशन। इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन फॉर्म में भी लेके आया हूं। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे उस एरिया में कितने एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो उस एरिया की, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन कहलाएगी। हिंदी में भी देख लीजिए, जनसंख्या को एक निश्चित समय में किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों के व्यक्तियों के कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही बात जो मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। चलो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के गुण, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। देखो, पॉपुलेशन में काफी एक ही स्पीसीज के काफी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे मैंने इकोलॉजिकल हायरार्की में आपको बताया कि इकोलॉजिकल हायरार्की कब स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। बेसिक यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की का क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन आपस में मिलकर के कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटी एबायोटिक फैक्टर के साथ मिलकर के इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम लार्ज हो जाएगा तो वो बायोम कहलाएगा, और बायोम के बाद बायोस्फीयर, ठीक है, तो बायोस्फीयर हमारी अर्थ है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो हम इसमें से पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो अब पॉपुलेशन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पॉपुलेशन के अंदर काफी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये कोई एरिया है, इसके अंदर एक एक काफी सारे इंडिविजुअल्स इस एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये एक एक नंबर्स इस एरिया में एक ही पॉपुलेशन है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें प्रत्येक स्पीसीज का करेक्टर्स बताइए, ठीक है, तो प्रत्येक स्पीसीज कोई जन्म लेगी,
पर इंडिविजुअल देखा जाए तो कोई जन्म लेगा या किसी की मृत्यु होगी, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की देखें तो हमको यहाँ पर रेट निकालनी पड़ेगी, पर कैपिचा रेट निकालनी पड़ेगी। जैसे बर्थ का हो तो पर कैपिचा बर्थ रेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति जन्म दर निकालनी पड़ेगी, या फिर हमें मृत्यु की बात करनी पड़ेगी तो मृत्यु दर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु एक इंडिविजुअल्स पे होती है, ठीक है। अगर हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो हमें मृत्यु दर की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, दर निकालनी पड़ेगी, पर कैपिचा मॉर्टलिटी रेट निकालनी पड़ेगी, प्रति व्यक्ति मृत्यु दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जब वैसे ही किसी भी एक इंडिविजुअल का कोई भी सेक्स हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, लेकिन हमें पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल थोड़ी पूरी पॉपुलेशन देखेंगे, तो वहाँ पर मेल भी पाए जाते हैं, फीमेल भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सेक्स रेशियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम एज की बात करें कि किस एज के कितने लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आगे इसमें देखने वाले हैं, एज स्ट्रक्चर जो पिरामिड है उनके हिसाब से स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पे बात करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब पॉपुलेशन के क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया, बर्थ रेट आ गया, डेथ रेट आ गया, सेक्स रेशियो हम बढ़ेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसको हम देखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स के बाद पॉपुलेशन के गुण या करेक्टर्स के बाद हम पॉपुलेशन की ग्रोथ देखेंगे, ठीक है, वो लेटर हाफ में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। जैसे हम बात कर रहे हैं, वही एक एग्जांपल लेंगे और पूरे चैप्टर को हम समझ लेंगे। जैसे ये कोई एरिया है, ये कोई क्षेत्र है, इसके अंदर ए स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, इसके अंदर ए स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ए स्पीसीज के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे कोई पूछे पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, तो आप बता देना इस एरिया में जितने ए के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो इस एरिया की ए की पॉपुलेशन या जनसंख्या हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि इस एरिया में ए का, इस एरिया में, इस एरिया के भी अंदर मान लीजिए ये दो एरिया उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि ये पर यूनिट एरिया है और ये एक एरिया, तो इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी हम मेरे को बताइए, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एरिया क्या है, सिमिलर है, किसके अंदर एक इंडिविजुअल्स ज्यादा है उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये तो हर जगह आप पढ़ते हैं कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पे किसी एरिया या टाइम पे किसी भी एरिया में कितने इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब इस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में, इस पर यूनिट एरिया में जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे उतनी ही ज्यादा इसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कम पाए जा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं, ये एरिया है वन, ये एरिया है टू, तो आपसे पूछा जाए डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप सीधा बता दोगे कि इसमें ज्यादा, इस एरिया में ज्यादा इंडिविजुअल्स रह रहे हैं तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है। चलो ये तो हो गया थियोरेटिकल बुक इस एग्जाम्पल, आप सिंपल एग्जाम्पल जैसे इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है अभी 140 करोड़ के आसपास मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद सब स्टेट, हर एक स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, पंजाब हरियाणा सब स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, सबका एरिया भी अलग अलग है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए डेंसिटी कौन से स्टेट की ज़्यादा है, तो आपका सीधा सा माइंड में आएगा कि जिस, ऐसा स्टेट जिसके अंदर एरिया तो कम हो और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ऐसा स्टेट आएगा जिसके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और एरिया कम है। मान लीजिए आपसे कंपेरिजन कर लिया जाए कि राजस्थान और यूपी में, उत्तर प्रदेश में डेंसिटी बताइए किसकी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे उनका एरिया कितना है, राजस्थान का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एरिया कम है लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर यूनिट एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे होंगे तो वहाँ की डेंसिटी या घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। राजस्थान का एरिया ज़्यादा है लेकिन लोग कम रह रहे हैं, स्कैटर्ड हैं, दो चार लोग यहाँ पे, ठीक है, एक गांव, दो गांव, तो गांवों के बीच में दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई एरिया के हिसाब से, तो वहाँ की डेंसिटी भी कम हो गई।
यूपी में एरिया भी कम है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो यहाँ की डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो डेंसिटी सिंपली क्या बताती है हमको? पॉपुलेशन का साइज बताती है, ठीक है। सिंपली क्या बताती है? पॉपुलेशन का साइज बताती है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में बता दूं, आपसे पूछूं कि इन दोनों की डेंसिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे एक दो तीन चार, चार एक इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, यहाँ पे दो रह रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? ये पॉपुलेशन साइज को बता रहे हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? एन से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है जन्म दर, बर्थ रेट। अब देखो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में क्या होते हैं? एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं। कम्युनिटी की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, वो बात अलग है। यहाँ पे हम जनसंख्या के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, वही एक एग्जांपल हम यूज करेंगे ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। देखो इसके अंदर ए स्पीसीज के काफी सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। ए ए ए ए, अब मैं आपसे पूछूं फिर से वही क्वेश्चन सिंपल सा कि इस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, तो आप क्या करोगे? इस एरिया में ए के जितने लोग हैं उनको गिनोगे और मेरे को बता दोगे कि सर इस एरिया की ए की पॉपुलेशन ये है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैं आपसे पूछूं इस एरिया का डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पूरे लोगों को गिनोगे, उसके बाद इसका एरिया देखोगे, तो आप बता दोगे इतने लोग इतने एरिया में पाए जा रहे हैं, वो इसकी क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं आपसे पूछूं बर्थ रेट। अब देखो बर्थ रेट निकालने के लिए, बर्थ रेट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा पर इंडिविजुअल कितना बर्थ हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए, ये वाले ए ने कितने जन्म दिए हैं? छह लोग, ठीक है, छह इंडिविजुअल्स को जन्म दिया है। और इस वाले ए ने, इस वाले इंडिविजुअल ने कितने लोगों को जन्म दिया है? दो लोगों को जन्म दिया है। अब दोनों का बर्थ अलग अलग हो गया, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पर इंडिविजुअल बर्थ रेट निकालना पड़ेगा, पर कैपिचा बर्थ रेट निकालना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे आपको, जैसे कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी निकालनी है, तो हर एक व्यक्ति की सैलरी अलग अलग होती है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। लेकिन जब कोई भी स्टेट अपनी इकोनॉमिकल सर्वे निकालता है, तो उसमें ये नहीं गिनता है कि फलाना व्यक्ति की सैलरी ज़्यादा है, उसकी सैलरी इतनी है, वाई की सैलरी इतनी है, जेड की सैलरी इतनी है, ये नहीं बताता है। उसमें ये बताता है प्रति व्यक्ति कितनी सैलरी है। वो क्या करेंगे? सबकी सैलरी को काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो वर्किंग हैं उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उस स्टेट की पर इंडिविजुअल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हमें बर्थ रेट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल की नहीं, सारे इंडिविजुअल्स ने कितना बर्थ दिया है, ठीक है, पर इंडिविजुअल कितना बर्थ हुआ है, ऐसे हम बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको मैं सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए, देखो वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला क्या है आप एग्जाम में जाएंगे भूल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां फॉर्मूला अप्लाई ना करके हम क्या पे करेंगे कि कुछ तो जो कॉन्सेप्चुअली है उसको कैसे निकाला जाए, ठीक है। चलो तो इसको निकालने के लिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि कोई एरिया है, ठीक है, कोई एक एरिया है, कोई एक क्षेत्र है जिसके अंदर एक एक कितने इंडिविजुअल हैं, स्टार्टिंग में 20 इंडिविजुअल्स हैं। एक एक कितने इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक ही जनसंख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। और मैं आपसे एक और मैं आपको मान दे रहा हूं यहां पे, ये तो क्या है? इनिशियल यानी प्रारंभिक वहां की जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद मैं एक ही फाइनल पॉपुलेशन मैं आपको बता रहा हूं यहां पे एक साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद? एक साल बाद, एक साल बाद मैं आपको बता रहा हूं एक ही पॉपुलेशन कितने हो गए यहां पे? 30 हो गए। कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहां की बर्थ रेट क्या होगी, बर्थ रेट क्या होगी,
ठीक है, पर इंडिविजुअल बर्थ रेट यहाँ की क्या होगी। तो बर्थ रेट निकालने के लिए सिंपल सा, टोटल स्टार्टिंग में कितने इंडिविजुअल्स थे, 20 इंडिविजुअल्स थे। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो बर्थ कितने लोगों का हुआ, सिंपल सी गणित है, बर्थ कितने, देखो स्टार्टिंग में कितने थे 20 और साल के अंत में कितने हो गए 30, यानी यहाँ पे कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, यहाँ पे टोटल 10 लोगों का क्या हुआ होगा, बर्थ हुआ होगा। यहाँ पे कितने लोगों का, 10 लोगों का, 10 इंडिविजुअल्स का क्या हुआ है, यहाँ पे बर्थ हुआ है। लेकिन हमको तो बर्थ रेट निकालनी है, पर इंडिविजुअल बर्थ रेट निकालनी है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो 20 लोगों पे कितने लोगों का बर्थ हुआ है, 10 लोगों का। 20 लोगों पे कितने लोगों का जन्म हुआ है, 10 लोगों का। तो पर इंडिविजुअल कितना हो गया, एक पे कितने का हो जाएगा, 10/20 यानी 0.5 इंडिविजुअल, 0.5 बर्थ्स पर इंडिविजुअल, ठीक है। तो 0.5 जन्म, इसको हिंदी में लिखें तो 0.5 जन्म प्रति व्यक्ति, ये इस एरिया की क्या हो गई, बर्थ रेट आ गई। ये इस एरिया की क्या हो गई, बर्थ रेट आ गई। तो सिंपल सा फॉर्मूला को ना याद रखते हुए हम यहाँ पे बर्थ रेट निकाल सकते हैं, पर इंडिविजुअल कितने लोगों को जन्म दिया है वो इसी एरिया की क्या हो गई, पर इंडिविजुअल बर्थ रेट, ठीक है, पर कैपिचा बर्थ रेट, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला से अगर आप निकालना चाहे तो जन्म दर को फॉर्मूला, प्रति व्यक्ति जन्म दर को फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहेंगे, और प्रति व्यक्ति जन्म दर को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल बी से। तो इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं और इसको डिवाइड करेंगे किससे, इनिशियल पॉपुलेशन या प्रारंभिक जनसंख्या से, ठीक है। तो कितने लोगों की जो टोटल जनसंख्या है, कुछ कुल संख्या या टोटल पॉपुलेशन है वो ऊपर आएगा, उसको डिवाइड करेंगे किससे, इनिशियल पॉपुलेशन या प्रारंभिक जनसंख्या। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, ठीक है, इसको आप करना, ठीक है, आपसे इजीली हो भी जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट, ठीक है, कोई पॉन्ड है, ये कोई पॉन्ड है, इसके अंदर लोटस के प्लांट, कमल के प्लांट कितने हैं, 20 है, 20 है। उसके बाद कब, ये लास्ट साल है, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन हुआ और कितने लोगों, कितने नए जन्म हो गए, 8 लोगों का, ठीक है, यानी 8 नए प्लांट वहां पर और ऐड हो गए। तो फाइनल 8 प्लांट ऐड हो गए तो टोटल कितने हो गए ईयर के एंड में, 28 प्लांट हो गए, ठीक है, 20 से कितने हो गए, 28 हो गए, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बर्थ रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, जन्म दर यहाँ पे निकालना है, सिंपल है। देखो कैसे निकालेंगे, वही हमें यह पर कैपिचा बर्थ रेट या पर कैपिचा बर्थ जन्म दर या पर कैपिचा बर्थ रेट यानी प्रति व्यक्ति जन्म दर हम यहाँ पे निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो 20 लोगों पे कितने लोगों का जन्म हुआ, यानी 20 प्लांट पे कितने प्लांट्स का जन्म हुआ है, 8 प्लांट, यानी 20 प्लांट्स ने 8 प्लांट को क्या किया है, जन्म दिया है, ठीक है। तो पर कैपिचा निकालने के लिए, पर इंडिविजुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से, ठीक है। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पर कैपिचा बर्थ रेट, ठीक है, प्रति व्यक्ति जन्म दर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाइए 0, तो 0.4 लोटस पर इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0.4, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कमल प्रति इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऐसे हम बर्थ रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जन्म की बात, अब हम मृत्यु की बात करें। मृत्यु क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसका वो मर जाता है, ठीक है, अलाइव हो जाता है, तो वो उसकी मृत्यु हो गई एक तरह से। अब मृत्यु भी पर इंडिविजुअल होती है, लेकिन पॉपुलेशन में पर इंडिविजुअल थोड़ी देखा जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन में तो मृत्यु भी क्या है,
एक पर इंडिविजुअल है, लेकिन पॉपुलेशन में हमें निकालेंगे तो पर कैपिटा निकालेंगे, वही पर इंडिविजुअल निकालेंगे, उसे बोलेंगे मॉर्टिलिटी रेट। उसे क्या बोला जाएगा? मॉर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर भी सेम इसी के समान है। ठीक है, मृत्यु दर भी उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है, लेकिन यहाँ पे डेथ की जगह किसके नंबर लिखने पड़ते हैं? मृत्यु, कितने लोगों की डेथ हुई, सॉरी जन्म की जगह पे यहाँ पे क्या है? मृत्यु या फिर डेथ कितने लोगों की हुई है वो हम लिखेंगे। और इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और मैंने जो तरीका बताया है उससे भी निकाल सकते हैं। उस तरीके से कैसे निकालेंगे देखो, वही सिंपल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे आप। देखो, इफ फॉर इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग वीक, तो एक वीक के दौरान कितने लोगों की, कितने फ्रूट फ्लाई की मृत्यु हो जा रही है? 40 फ्रूट फ्लाई की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो डेथ रेट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉरी 40 फ्रूट फ्लाई पे कितने की इंडिविजुअल की मृत्यु हो जा रही है, यानी कितनी फ्रूट फ्लाई की मृत्यु हो जा रही है एक वीक के अंदर? 4 की। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? डेथ रेट। तो 40 फ्रूट फ्लाई यानी 40 फल मक्खियों पे कितनी फल मक्खियों की मृत्यु हो रही है? 4 फल मक्खियों की। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पर कैपिटा डेथ रेट या मॉर्टलिटी निकालनी है। तो अपर इंडिविजुअल निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड करने पड़ेगा? 40 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.1 फ्रूट फ्लाई पर इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखें तो 0.1 फल मक्खी प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये इस सिंपल तरीके से। अच्छा, इसको इसको किसके तरीके से फॉर्मूला में भी रख के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो मृत्यु दर है उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेथ को डी से और बर्थ को बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। चलो, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला से करते हैं। देखो कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है? 40। ठीक है, और डेथ कितने लोगों की हुई, कितनी मक्खियों की हुई? 4 की। ठीक है, डेथ कितने की हुई? 4 की। तो यहाँ पे मृत्यु, टोटल डेथ कितनी हुई? 4। ठीक है, और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल वही आ जाएगा, 0.1 फ्रूट फ्लाई पर इंडिविजुअल। तो ऐसे हम डेथ रेट और बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे देखते हैं। ये तो तीन हमने अभी तक एट्रीब्यूट देख लिए हैं पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। अब देखो, पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। ठीक है, हर एक लोग की, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग एज होती है। पॉपुलेशन में ओल्ड एज के भी लोग होते हैं, ठीक है, यंग एज के भी लोग होते हैं, चाइल्ड, बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं। तो इनको कैसे, इनकी स्टडी कैसे की जाए कि आगे हमें पता चल जाए कि आगे की पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी या फिर आगे की पॉपुलेशन बढ़ेगी या फिर स्टेबल रहेगी या फिर कम होगी। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हैं पॉपुलेशन के, जो डायरेक्ट किससे रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो। अब एज से रिलेटेड डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ढूंढे तो सबसे पहले दिमाग में आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ठीक है, तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, बर्थ के बाद चाइल्डहुड आता है, बचपन आता है, उसके बाद प्यूबर्टी आती है, 12, 13, 14 साल के बाद क्या आएगी? प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी फेज आएगी। तो 14 साल तक तो उसको क्या माना जाएगा? चाइल्ड माना जाएगा। लेकिन 14 साल के बाद जैसे ही उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ मेल और फीमेल के अंदर, तो उसके बाद वो प्यूबर्टी फेज में स्टार्ट एंटर हो गया। अब उसको रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज। तो 14 से लेकर के 45 तक, ठीक है, 14 के बाद 15 से लेकर के 45 तक वो फेज क्या हो गई? रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। और तीसरा, 45 के बाद फीमेल्स के अंदर एग बनना बंद हो जाता है, मीनोपॉज कंडीशन आती है। तो उसके बाद
ठीक है, 45 के बाद जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, जो प्रजनन करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, तो उस वाली एज को बोल सकते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन के बाद, प्रजनन के बाद की अवस्था। तो तीन फेज में हमने बांट लिया, एक तो हो गया प्री रिप्रोडक्टिव जो चाइल्ड आ जाएंगे उसके अंदर, उसके बाद रिप्रोडक्टिव जिसके अंदर एडल्ट्स आ जाएंगे, वयस्क आ जाएंगे, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिसके अंदर ओल्ड एज वाले, ठीक है, वृद्ध लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन की आगे ग्रोथ होगी या फिर पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी या फिर पॉपुलेशन वृद्धि करेगी, सॉरी डिक्लाइन होगी या फिर उसकी कमी होगी। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कमी आएगी। तो अब ये कैसे हम जान सकते हैं, इसको हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा। तो इसको हम देखते हैं एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर में, इसका क्या होता है, इसमें जनरली एक ग्राफ के रूप में हम इसको प्लॉट करते हैं और पिरामिडल जैसी स्ट्रक्चर हमें मिलती है, उनसे हम स्टडी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन की आगे ग्रोथ कैसे होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रजनन से पूर्व प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, जो प्यूबर्टी से पहले यानी चाइल्डहुड में है। ठीक है, चाइल्डहुड में है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, ऐसे जीव जो अभी चाइल्डहुड में है, ठीक है, जिनके अंदर गोनाड्स या सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट या फिर गैमिट्स नहीं बनने लगे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनको किसके अंदर रखेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल या पूर्व जनन व्यक्तियों के अंदर। इनकी एज क्या रहेगी, 15 से कम रहेगी। उसके अलावा सेकेंड नंबर पर आएंगे एडल्ट्स रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये इनकी एज क्या रहेगी, 15 से 44, 15 से 44 ईयर्स। इसके अंदर क्या आएंगे, एडल्ट्स यानी वयस्क। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्टिव फेज से बाहर चले गए हैं, ठीक है, 45 से अबो ईयर वाले, ठीक है, 45 या 45 साल से बाद के साल के लोगों को इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे ओल्ड एज पर्सन। और एक पॉपुलेशन में तीन ही तरीके के लोग मिलते हैं, या तो बच्चे मिलते हैं या फिर वयस्क मिलते हैं या बूढ़े मिलते हैं। तो देखो रिप्रोडक्ट, वैसे हम नहीं बता सकते कि हर एक व्यक्ति की एज अलग अलग है, तो हमें स्टडी करने में दिक्कत होगा, लेकिन अब हम बता सकते हैं, देखो सारे बच्चों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया जिन्हें क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, सारे वयस्कों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया उनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स या प्रजनन करने वाले व्यक्ति, सारे वृद्धों को या ओल्ड एज वालों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया उनको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल या प्रजनन के बाद के व्यक्ति। ठीक है, तो इसके आधार पर हम आगे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और पॉपुलेशन की ग्रोथ का अंदाजा हमें लग जाता है। ठीक है, तो इसको पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी, इसको इस ग्राफ से जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहां से CUET में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो CUET में मेनली ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जहां पे भी आपको ग्राफ देखने को मिले उसको आप अच्छे से समझिएगा, उससे रिलेटेड PYQ करना, तो आपको वो और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, PYQ अभी हम इसी सेशन में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम PYQ ही आपसे डिस्कस करेंगे, वहां आपको बताएंगे इस ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में, प्रश्न करने में आसानी हो। ठीक है, चलो देखो ये एक तरह से ग्राफ ही है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ग्राफ ही है। तो सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव, आप समझ गए प्री रिप्रोडक्टिव यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन से पहले की फेज में है, यानी अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी चाइल्डहुड में है, बचपन में है, तो ऐसे कौन से आएंगे जिनकी एज क्या होगी, 15 साल से कम होगी, जिनकी एज क्या होगी, 15 साल से कम होगी। रिप्रोडक्टिव के अंदर कौन आएंगे, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 15 साल से 44 ईयर तक होगी, यानी ये रिप्रोडक्शन अभी कर सकते हैं, वयस्क सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन की फेज से बाहर निकल गए हैं, यानी रिप्रोडक्शन में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा 45 से अबो, ठीक है, 45 से ज़्यादा एज के लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। चलो अब देखो, अब हमें
हम अगर यहां पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर, मैं यहां पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। सबसे नीचे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। प्री रिप्रोडक्टिव यानी कौन से ईयर वाले, जिनकी उम्र, जिनकी एज 15 साल से कम है। अच्छा, 15 साल से कम है, अभी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर बहुत ज्यादा है। इनके नंबर देखो, इनके नंबर क्या है ग्राफ में, सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये 15 साल वाले आगे किस में पहुंचेंगे, रिप्रोडक्टिव में, अभी रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर कम है, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर तो और कम है, रिप्रोडक्टिव से भी कम है। सबसे ज्यादा किसके हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, जो अभी जनन नहीं कर सकते यानी बचपन में है, रिप्रोडक्शन या जो जनन कर सकते हैं व्यस्क, उनके नंबर प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो जनन कर चुके हैं, जनन के बाद वाले लोगों के नंबर और भी कम है। हम यहां पे देखते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ देखनी है तो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को हम देखते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अभी बचपन में, लेकिन धीरे धीरे इनकी एज बढ़ेगी तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगी, और रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगी तो इनके नंबर कम हो जाएंगे, यहां पे नंबर बढ़ जाएंगे रिप्रोडक्शन वाले, तो ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, इसका मतलब फ्यूचर में पॉपुलेशन यहां की क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। पॉपुलेशन यहां की क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, या फिर इसको बोल सकते हैं वृद्धि करेगी। यहां की पॉपुलेशन क्या करेगी, एक्सपांड करेगी या वृद्धि करेगी। चलो इसी तरीके से इस वाले ग्राफ में देखो, और अच्छे से समझ आएगा आपको। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव जो सबसे नीचे है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चे, रिप्रोडक्टिव यानी एडल्ट्स। यहां पे देखो दोनों के नंबर बराबर है, बच्चों के भी नंबर बराबर है, एडल्ट के भी नंबर बराबर है, यानी एडल्ट तो बनेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, और प्री रिप्रोडक्टिव बनेंगे रिप्रोडक्टिव वाले, यानी रिप्रोडक्शन करेंगे, और नंबर तो उनके बराबर ही है, तो जितना रिप्रोडक्शन अभी हो रहा है बाद में भी उतना ही रिप्रोडक्शन होगा, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल या स्थायी रहेगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल या स्थायी रहेगी। तीसरा देखो इस ग्राफ में, और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यानी जनन करने से पूर्व, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव यानी जनन करने से पूर्व वालों की संख्या क्या है, कम है, और रिप्रोडक्टिव करने, रिप्रोडक्टिव या व्यस्कों की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी अभी जनन करने वाले ज्यादा है और जो बच्चे हैं उनके नंबर कम है, और जब वो बच्चे जनन करने वाले बनेंगे तो नंबर और कम हो जाएंगे उनके, और जनन कम होगा, रिप्रोडक्शन कम होगा, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी या कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, किसी भी एज ग्रुप में कोई भी पॉपुलेशन है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, एडल्ट्स की संख्या कम है, तो वहां पे नियर भविष्य में, आगे के भविष्य में पॉपुलेशन ग्रोथ करने वाली है, ठीक है, वहां पे आगे के भविष्य में पॉपुलेशन क्या करने वाली है, ग्रोथ करने वाली है। ऐसा ग्राफ डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है, ठीक है, जो अभी विकासशील देश है उनमें ऐसा ग्राफ, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा हमें, एक्सपांडिंग वाला ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टेबल वाला ग्राफ कहाँ देखने को मिलता है, ऐसी कंट्रीज जहां पे, डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे विकास हो चुका है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल्ड है। तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेबल कंट्री। और कुछ कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, वहां पे नई नई तरह की पॉलिसीज आ रही हैं ताकि पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, तो वहां पे डिक्लाइन पॉपुलेशन हो रही है, तो ये कब देखने को मिलेगी, जब वहां पे बच्चों की संख्या कम है, जैसे कनाडा, ये कंट्रीज हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइन कर रही है, जापान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम होगी या स्थायी हो रहेगी। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है इसकी शेप से। देखो
अब ये जो ग्राफ है इसकी शेप मोर ऑर द लेस कैसी है, एक घंटे के आकार की है। कैसी है, एक घंटे के आकार की, बेल के शेप की है, या घंटे के आकार की है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेल शेप स्ट्रक्चर कौन से टाइप में मिलेगी हमें, स्टेबल टाइप का जो ग्राफ होगा उसके अंदर। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिख रही है, अर्न शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, या फिर गुलदस्ते के आकार की, ये कैसी है, अर्न शेप स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है ये, अर्न शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कौन सी वाले ग्राफ, कौन से वाले ग्राफ में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, कौन से में स्टेबल रहेगी, कौन से में डिक्रीज करेंगे, ठीक है, और कौन से ग्राफ का कैसा शेप है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया जहाँ पे बच्चों के नंबर ज़्यादा होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर ज़्यादा होंगे वहाँ पे एक्सपांड करेगी, जहाँ पे प्री और जो रिप्रोडक्टिव यानी व्यस्क और बच्चों के नंबर समान रहेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, जहाँ पे बच्चों के नंबर कम और एडल्ट्स के नंबर ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। बात समझ आ गई, चलो अब हम आगे देखते हैं। तो हमने तीन यहाँ तक टोटल चार गुण पढ़ लिए हैं पॉपुलेशन के, तो कौन कौन से पॉपुलेशन के गुण हमने पढ़ लिए हैं। पहला पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा, दूसरा बर्थ रेट देखी, तीसरा मोर्टिलिटी रेट या फिर डेथ रेट हमने देखी, फोर्थ हमने देखा एज स्ट्रक्चर या सेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है, करेक्टर है, वो हम देखने वाले हैं सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। वही देखो, ये कोई एरिया, सिंपल सा एग्जांपल, इसके अंदर ए स्पीसीज रह रही है, कौन सी स्पीसीज, ए स्पीसीज रह रही है। अब पर इंडिविजुअल का तो अलग सेक्स हो सकता है, या तो ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर जेंडर को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो हमें यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करनी पड़ेगी। सेक्स रेशियो की कैसे, कि फीमेल्स के नंबर या परसेंटेज कितनी है, मेल्स के परसेंटेज कितनी है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम क्या बताएंगे, हम यहाँ पे बताएंगे मान लीजिए दोनों के नंबर बराबर बराबर हैं, मेल के नंबर भी बराबर हैं, फीमेल के नंबर भी बराबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 50% मेल है, 50% यहाँ पे क्या है, फीमेल्स हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल के नंबर बराबर हो, यानी वहां का सेक्स रेशियो क्या हो गया, मेल और फीमेल के नंबर यहां पे बराबर हो गए, तो यहां का सेक्स रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो इंडिविजुअल सेक्स की बात नहीं करेंगे, हम वहां पे सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की बात करेंगे कि मेल के परसेंटेज कितने हैं और फीमेल के परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया फिफ्थ करेक्टर, किसका, पॉपुलेशन का। ठीक है, तो यहां तक हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट देखे, पॉपुलेशन डेंसिटी, नाम भी पता होना चाहिए पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सिंपल चार ऑप्शन देगा, तीन एट्रीब्यूट होंगे या गुण होंगे, ठीक है, चौथा नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा जा सकता कि कौन सा पॉपुलेशन या जनसंख्या का गुण नहीं है, तो कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, उसके अलावा हमने पढ़ लिया सेक्स रेशियो पढ़ लिया, उसके बाद हमने एक क्या पढ़ा था, एक एज स्ट्रक्चर, ठीक है, आयु की जो संरचना है, कौन कौन सी आयु के वहाँ पे लोग पाए जाते हैं वो। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जनसंख्या वृद्धि की। देखो कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉपुलेशन में बर्थ हो रहे होंगे, जन्म हो रहे होंगे, ठीक है, मृत्यु हो रही होगी, कोई वहां से उठ करके किसी दूसरी जगह जा रहा होगा, कोई इंडिविजुअल वहां पे आ रहा होगा, तो पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल नहीं है। पॉपुलेशन क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, डायनेमिक है। यानी गतिशील है पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन स्थिर नहीं है, पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, ठीक है, या स्थिर नहीं है। पॉपुलेशन क्या है? गतिशील है, डायनेमिक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है, चाहे वो नेगेटिव ग्रोथ हो चाहे वो पॉजिटिव ग्रोथ हो, ठीक है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव ग्रोथ कैसे होगी? पॉजिटिव ग्रोथ जब वहाँ पे लोग बढ़ जाएं तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और लोग कैसे बढ़ेंगे वहाँ पे? या तो जन्म हो जाए या फिर दूसरी जगह से उठ करके कोई वहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ होगी या पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन कोई वहाँ से उठ करके कई नई जगह पे चले जाए तो वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी या पॉपुलेशन कम हो जाएगी, या फिर वहाँ पे डेथ हो जाए तो भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो चार पैरामीटर्स पे निर्भर करती है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो चार पैरामीटर्स पे निर्भर करती है। और इस ग्राफ से, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको ये बात समझ आ जाएगी। कैसे? देखो, ये कोई पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने आपको बताया था अभी पॉपुलेशन के जब करेक्टर में आपको पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी ही हमें क्या बताती है? पॉपुलेशन का साइज बताती है कि पॉपुलेशन के नंबर कितने हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? एन से। अब बताओ, पॉपुलेशन को कौन कौन से गुण, कौन कौन से जो फिनोमिना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो बढ़ाएंगे? एक तो आप बोलोगे सर अगर वहाँ पे किसी लोगों का जन्म हो जाए तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी बर्थ। और बर्थ को ही क्या बोला जाता है? नेटिलिटी, यानी जन्म, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन को क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन से यहां पे डिनोट किया है, तो ये पॉपुलेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। दूसरा, अब ये बोलोगे सर कोई उठ करके वहां पे आ जाए, जैसे क्या हुआ था कोविड के टाइम पे, क्या हुआ था? कोविड फैला था, शहरों में ज्यादा फैल रहा था, गांव ज्यादा सेफ थे, तो क्या हो रहा था? लोग बाग उठ करके अपने जो रूट्स हैं, अपने जहाँ पे गांव हैं वहाँ पे जा रहे थे, तो गांवों की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। सिटीज की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? कम हो गई थी। यानी माइग्रेशन कहाँ पे हुआ? गांवों में हुआ। इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोल लेते हैं इसको? इमिग्रेविशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन क्या करेगा? पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इमिग्रेशन को और क्या बोला जाता है? आप्रवासन। क्या बोला जाएगा? और आप्रवासन, ठीक है, इमिग्रेशन या आप्रवासन। दूसरा, ये तो हो गई वृद्धि की, कैसे कैसे बढ़ेगा, या तो वहां जन्म हो जाए या वहां पे कहीं से लोग आकर के रहने लग जाए तो उस एरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी में जो बढ़ाने वाले जो पैरामीटर हैं, बर्थ और इमिग्रेशन। बर्थ को ही नेटलिटी बोला जाता है, इमिग्रेशन को हिंदी में आप्रवासन बोला जाता है। चलो अब हम बात करें कि वहाँ की पॉपुलेशन की, उस पॉपुलेशन की, उस जनसंख्या में कमी कैसे आ सकती है। तो कमी आप बता सकते हैं दो तरीके से आ सकती है। एक तो कमी आ सकती है किसके द्वारा? वहाँ पर मृत्यु हो जाए, ठीक है, वहाँ पे मृत्यु या मौत होंगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा, वहाँ से उठ करके जाने लगे जाएं कहीं दूसरी जगह पे, तो उस एरिया के लिए वो क्या है? एमिग्रेशन या उत्प्रवासन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे फिर से समझो, ठीक है, ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, किसी ए स्पीसीज के कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग, यानी यहाँ की पॉपुलेशन साइज क्या है? 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई बीमारी आई, ठीक है, यहाँ पे कोई बीमारी आई तो यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो गई? 80 लोगों की डेथ हो गई। कितने लोगों की डेथ हो गई? 80 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गई? कम हो गई। और यहाँ पे 10 लोग क्या है? उठ करके चले गए। 10 लोग यहाँ से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए उठ करके सेफ जगह पे, दूसरी जगह पे चले गए, ठीक है, दूसरी जगह। ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह, यहां पे उठ करके चले गए कितने लोग? 10 लोग, ठीक है। तो ये 10 लोगों की वजह से भी यहां पे कमी आई है, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन? 80 तो यहां पे मर गए, डेथ हो गई, और 10 लोग यहां पे उठ करके चले गए, यानी एमिग्रेशन हो गया, उत्प्रवासन हो गया। तो अब यहां पे कितने लोग बचे? अब यहां की पॉपुलेशन जो कितनी बची यहां पे? 10। अब यहां की पॉपुलेशन क्या बची? 10 बची।
तो आपको समझ आ गया एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। अगर हम ये तो किसकी बात हो गई एमिग्रेशन, या फिर इसको बोलते हैं उत्प्रवासन, एमिग्रेशन या उत्प्रवासन, ठीक है। तो इससे क्या होगा पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो पॉपुलेशन कम किस किस से होगी, कम को किससे डिनोट किया है नेगेटिव से, किससे होगी मोर्टिलिटी या मृत्यु से, इसको डेथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। किससे डिनोट, डेथ को डी से, तो मोर्टिलिटी को भी डी से डिनोट किया जाता है। और दूसरा एमिग्रेशन, तो इसे बोलते हैं उत्प्रवासन, ठीक है। और उत्प्रवासन को किससे डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। तो यहां तक बात समझ आ गई कि किसी पॉपुलेशन को जन्म होने की वजह से और वहां पे कोई लोग उठ करके आ जाए तो उस पॉपुलेशन की वृद्धि होगी, अगर कोई लोग उठ करके वहां से चले जाए और वहां पे डेथ हो जाए तो वहां पे पॉपुलेशन की क्या होगी, पॉपुलेशन की कमी होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसा है, डायनेमिक फिनोमिना है, बढ़ता घटता रहता है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। पॉपुलेशन क्या है, डायनेमिक पैरामीटर है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। पॉपुलेशन घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता है जब तक आप वहां पे आइडियल कंडीशन नहीं, आइडियल में भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आइडियल कंडीशन रहेगी तो पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि बर्थ वहां पे बहुत ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है ये दो तरीके से हो सकती है, एक तो एक्सपोनेंशियल तरीके से कि बढ़ती ही चली जाए एकदम से, ठीक है, या फिर एक टाइम तक बढ़े उसके बाद क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए। तो दो ग्रोथ मॉडल्स हैं पॉपुलेशन की वृद्धि को समझाने के लिए, उनको अब हम समझेंगे, ठीक है। तो होप यहाँ तक कुछ सबको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको समझाया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल या जनसंख्या वृद्धि कर्व। देखो जनसंख्या वृद्धि कर्व से पहले एक फॉर्मूला है सिंपल सा, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देख लीजिए। ये कुछ नहीं सिंपल है कि एन टी प्लस वन यानी फाइनल पॉपुलेशन, या इसको फाइनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, पहले की पॉपुलेशन उसमें से बर्थ और इमिग्रेशन होगा यानी कोई लोग वहां उठ करके आ जाएंगे या फिर वहां पे जन्म होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। और वहां पे डेथ होगी या फिर कोई लोग वहां से उठ करके चले गए हैं, ठीक है, वहां से पलायन कर चुके हैं तो पॉपुलेशन की क्या होगी कमी होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से भी, इसको एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या पता आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए सीयूटी के, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, इनिशियल पॉपुलेशन प्लस उसमें बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़िए, ठीक है, और उसमें से क्या घटाना है आपको डेथ और एमिग्रेशन को, तो हमें फाइनल पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो इस पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, हम पीवाईक्यू के अंदर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जनरली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलो अब हम देखते हैं ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, विकास के मॉडल, ग्रोथ के मॉडल, ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होती है। आपको मैंने अभी बताया पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल की डायनेमिक। पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है, डायनेमिक होती है यानी गतिशील होती है। गतिशील का मतलब या तो बढ़ेगी या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करती है, ठीक है, या तो बढ़ेगी या किसी एरिया में कम होगी। लेकिन चारों पैरामीटर्स को हम देख लिया, कौन कौन से पैरामीटर, बर्थ या नेटलिटी, इमिग्रेशन या अप्रवासन, डेथ मॉर्टिलिटी,
एमिग्रेशन या फिर उत्प्रवासन, ये चार कारण है, चार पैरामीटर है जो पॉपुलेशन को कम ज़्यादा करते रहते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब देखो कोई एरिया है उसमें पॉपुलेशन रह रही है, जनसंख्या रह रही है, ठीक है, पॉपुलेशन रह रही है, जनसंख्या रह रही है। अब इस पॉपुलेशन में, इस जनसंख्या में हो सकता है कि वहां पे उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, सीमित हो सकता है कि संसाधन असीमित हो। दो तरीके से कंडीशन हो सकती है, तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वहां पे रिसोर्सेज या संसाधन क्या हो, अनलिमिटेड हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, या फिर असीमित, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज क्या हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ठीक है, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सीमित। दो तरीके से हो सकता है ना, दो केस हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए असीमित खाने के लिए हो, वहां पे कोई भी बीमारी नहीं हो, कोई भी वहां पे प्रीडेशन नहीं हो, कोई भी उसका शिकारी नहीं हो, तो वो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करते ही जाएगा। और हो सकता है कि किसी एरिया में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के लिए खाना सीमित हो, एक निश्चित नंबर्स तक के लिए ही खाना हो, उसके बाद खाने की अवेलेबिलिटी ही नहीं हो, वहां पे बीमारियां भी आती रहती हों, वहां पे शिकारियों के नंबर भी ज्यादा हों। तो दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, एक तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, एक रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। अब दोनों में अलग अलग ग्रोथ होती है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि दोनों में अलग अलग ग्रोथ, और होगी भी अलग अलग, क्यों नहीं होगी। अनलिमिटेड के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, कैसी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पे कैसी ग्रोथ होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, या फिर इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, कैसी, ज्यामितीय, ठीक है, एक्सपोनेंशियल या ज्यामितीय ग्रोथ होती है। और जहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, वहां पे जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, यहां पे जो ग्रोथ होगी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जो ग्रोथ होगी, ये तो एक्सपोनेंशियल में तो हो गया, अनलिमिटेड में, और लिमिटेड में जो वक्र आएगा वो एस शेप होगा, और जो ग्रोथ होगी वो सिग्मोइडल ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी, सिग्मोइडल ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे अगली स्लाइड में कि कैसा शेप का कर्व आएगा, कौन सी हम इसको जो इसकी जो फॉर्मूला होगा या उसको कैसे डिनोट करेंगे, कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे यूज होती हैं जो पूरे जो ग्रोथ मॉडल है उसको समझा दें। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कर्व है, सिग्मोइडल ग्रोथ, इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं ना, अब देखो फर्स्ट केस हम यहाँ पे पहला केस लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, ठीक है, यानी असीमित हो, संसाधन क्या हो, हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संसाधन क्या हो, असीमित हो, ठीक है, संसाधन असीमित है। अच्छा बताओ, संसाधन असीमित रहेगा तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा कि कम ग्रोथ करेगा, वो भी असली बात है, बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ करेगा। आपको ऐसी जगह पर रहने दे दिया जाए वहाँ पे आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, आपके लिए खूब खाना है,
आपका फेवरेबल क्या है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई भी रोग जनक नहीं है जो आपके अंदर, कोई भी पैथोजन नहीं है जो आपके अंदर डिजीज कॉज कर दे, रोग पैदा कर दे, ठीक है। आप तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रजनन अच्छा होगा, तो उस पॉपुलेशन में नंबर्स बढ़ेंगे, पॉपुलेशन की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेजी से होगी, ठीक है। और इस तरीके की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया, इस तरीके की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलती है उसको अगर हम कर्व की सहायता से अगर हम यहाँ पे डिनोट करें, तो अगर यहाँ पे टाइम लें या समय और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व को अगर हम यहाँ पे लें, जिसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है, सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको, जनसंख्या घनत्व को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत कम नंबर्स हैं। देखो मान लीजिए कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म कहीं पे ले जाया गया, अब वो तो पहले तो अपनी बचपन की अवस्था में रहेगा, यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगा, जनन से पूर्व की अवस्था में रहेगा। जनन की पूर्व की अवस्था में तो उसके बाद धीरे धीरे प्यूबर्टी फेज में जाएगा, जनन करने लगेगा, दो से चार, चार से आठ, ऐसे वहाँ पे इंडिविजुअल्स बनने लगेंगे, ऑर्गेनिज्म बनने लगेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे वहाँ पे इंडिविजुअल्स बढ़ने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म या वहाँ पे जो इंडिविजुअल को लेकर के गए हैं वो उनके नंबर बढ़ने लगेंगे। अब रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है, कोई भी वहाँ रोगजनक नहीं है, खाना खूब है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन का जो घनत्व है, पॉपुलेशन का साइज है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। देखो पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के जो कर्व है, इस टाइप का जो वक्र है, इसकी कौन सी शेप आपको दिख रही है, जे के आकार की शेप दिख रही है। तो इस टाइप के कर्व में, इस टाइप के वक्र में किस शेप का हमें कर्व मिलता है, जे शेप का, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो रही है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, इतने ऑर्गेनिज्म के नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसी मिलेगी देखने को, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कौन सी ग्रोथ मिलेगी हमको देखने को, एक्सपोनेंशियल, या इसको इसको हिंदी में बोलते हैं घातीय, घातीय वृद्धि यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। घातीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें यहाँ देखने को। और इसको एक देखो, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर चेंज होगा, वृद्धि होगी तो पॉपुलेशन के अंदर चेंज होगा, ठीक है। और पॉपुलेशन के चेंज को किससे डिनोट किया जाता है, डीएन से, एन पॉपुलेशन की साइज है तो चेंज कितना होगा उसको डीएन से, और पर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ है उसको हम यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, वो फॉर्मूला है डीएन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। अब आप बोलोगे सर आर और एन क्या है, एन तो आप समझ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है, एन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एन यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और अब आप पूछोगे सर आर क्या है, आर की बात करें तो आर को बोलते हैं बी माइनस डी, आर को कैसे निकालते हैं, बी माइनस डी, बी मैंने आपको बता रखा है, बी क्या है यहाँ पे, बर्थ, बी क्या है यहाँ पे, बर्थ, और डी क्या है यहाँ पे, डेथ, ठीक है। तो बी माइनस डी क्या हो गया, बर्थ माइनस डेथ, और आर को और क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम सिंपली बायोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं,
तो आप बोलोगे सर बायोटिक पोटेंशियल क्या हुआ, जैविक विभव या जैविक कारक क्या हुआ? देखो बायोटिक पोटेंशियल होता है जब कोई भी किसी भी एरिया में फेवरेबल कंडीशन दी जाए तो वहाँ के लोग बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उस जो एरिया है उसमें रिप्रोडक्शन करके बहुत तेजी से नंबर बढ़ते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे वो उतनी ही ज़्यादा उसकी वो क्या होगी, बायोटिक पोटेंशियल होगी, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, बर्थ कितने हुए और डेथ कितने हुए, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन है तो डेथ तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बर्थ ज़्यादा हो जाएगी तो आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इस मॉडल से रिलेटेड, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वृद्धि या घातीय वृद्धि, या इसी को एक नाम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, ठीक है। तो ये पूरी बातें हो गई किससे रिलेटेड, रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड हो तो कैसा हमें ग्रोथ मिलेगी, ये बताया आपको कब देखने को मिलती है। आप देखते होंगे अभी कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर बारिश के अंदर कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, बारिश के अंदर कीड़े बहुत ज़्यादा क्योंकि उस टाइम उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वहाँ पे क्या होगा, उनके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई एकदम से उनके नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होएंगे। यानी ये ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर अनफेवरेबल कंडीशन दे दी जाए ना तो तुरंत इनके नंबर कम भी हो जाएंगे, ठीक है, क्रैश कर जाएगी इनकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, तो किस शेप का कर्व दिखने को मिलेगा, रिसोर्स अगर अनलिमिटेड हो तो, संसाधन अगर असीमित हो, संसाधन अगर असीमित हो तो किस टाइप का कर्व देखने को मिलेगा, जे शेप कर्व देखने को मिलेगा, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ इसे बोलते हैं, इसको dn by dt is equal to rn से डिनोट करते हैं, r यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इसी को बायोटिक पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। और r को निकालना है तो बर्थ में से डेथ को घटा देंगे तो r के नंबर आ जाएंगे। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब देखने को मिली है, अब मैंने बताया था आपको जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, यानी संसाधन सीमित होंगे, ठीक है, संसाधन क्या होंगे, सीमित होंगे। तो कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ, सिग्मोइडल कर्व। इसमें सिग्मोइडल कर्व क्यों बोला जाएगा वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले समझाया था, दो साइंटिस्ट थे, वरहल्स्ट एंड पर्ल, ठीक है। तो इनके नाम के आधार पर इसको वरहल्स्ट पर्ल इक्वेशन भी बोला जाता है, वृद्धि, ठीक है, वरहल्स्ट पर्ल ग्रोथ या वरहल्स्ट पर्ल भी वृद्धि भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्टों ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। चलो अब इसके अंदर कर्व कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर कर्व कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। वही सिंपल, वही एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लिया पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं डायरेक्ट एन से लिख रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन घनत्व को। देखो वही सिंपल, अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, लिमिटेड है रिसोर्सेज यहाँ पे, यानी संसाधन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है, या फिर हिंदी में बोले तो इसको सीमित है, संसाधन क्या है यहाँ पे, सीमित है, ठीक है। चलो अब देखो संसाधन सीमित है, ध्यान रखना
यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल को छोड़ा गया पहले बचपन अवस्था में, धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो नंबर उनके कम है, नंबर कम है तो उनके लिए तो अनलिमिटेड की तरह ही हुआ खाना वहाँ पे, क्योंकि नंबर कम है कंपटीशन कम होगी। तो धीरे धीरे एकदम से क्या होगा, धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ाएंगे और फिर एकदम से इनकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, फिर एकदम से इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब नंबर बढ़ गए हैं, अब इनके अंदर कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी, और जो फिट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा सफल होगा, डोमिनेंट होगा, वो वहाँ पे रहेगा, बाकी लोग वहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एकदम से नंबर बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और एक टाइम बाद पॉपुलेशन धीरे धीरे कभी कम होगी, फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर कॉम्पिटिशन होगा, फिर कम होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो धीरे 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 पॉपुलेशन क्या होने लगेगी, एक तरह से स्टेबल होने लगेगी, पॉपुलेशन क्या होने लगेगी, स्टेबल होने लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा ये शेप दिख रहा है आपको, एस शेप दिख रहा है, ये पॉपुलेशन का जो कर्व है ये कैसा दिख रहा है आपको, एस शेप दिख रहा है, ठीक है, सिग्मोइड शेप दिख रहा है, सिग्मोइड शेप, एस शेप या सिग्मोइड शेप। लेकिन जब आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे वहां पे कैसा शेप, जे शेप। तो शेप ये सब आपको याद रखनी है बातें, ठीक है, कब देखने को मिलेगा, ये लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो फेजेज होती हैं, अलग अलग फेजेज होती हैं, देखो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही थी, क्योंकि सभी लोग क्या थे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में थे, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ लोग रिप्रोडक्टिव में थे, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं लैग फेज। इसको कौन सी फेज बोला जाता है, लैग फेज। फिर देखो एकदम से क्या हुआ, ज़्यादा लोग रिप्रोडक्टिव फेज में आए तो रिप्रोडक्शन करना बड़ा, ठीक है, प्रजनन बढ़ा तो नंबर बढ़े, पॉपुलेशन साइज बढ़ी, तो इस फेज को बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोला जाता है इसको, लॉग फेज। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सीमित है, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे फिर इनमें कंपटीशन बढ़ेगी, और कंपटीशन बढ़ेगी तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ क्या होने लगी, धीरे धीरे फिर नेगेटिव होने लगी, यानी इस फेज को बोलते हैं डीएसिलरेशन फेज, डीएसिलरेशन या मंदन प्रावस्था, ठीक है। और लॉग फेज को एसिलरेशन फेज भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, एसिलरेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ना आगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एसिलरेशन फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में त्वरित प्रावस्था भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम कांस्टेंट हो गई है, कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, तो इस वाली फेज को बोलते हैं एसिम्प्टोट, ठीक है, या फिर इसको स्टेशनरी फेज, या फिर स्थिर प्रावस्था, ठीक है, ये हो गया। इसमें जितनी भी फेजेस हैं उनको मैंने यहां पे डिनोट कर दिया। अब और यहां पे बात क्या समझने वाली है, अब यहां पे जो मैक्सिमम, अब आप बोलोगे सर कितने नंबर मैक्सिमम यहां पे पॉपुलेशन के सर्वाइव कर सकते हैं इस लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो जो मैक्सिमम नंबर होंगे ना बच्चों, जो पॉपुलेशन के मैक्सिमम नंबर होंगे वो यहाँ की क्या कहलाएगी, केयरिंग कैपेसिटी, वो यहाँ की क्या कहलाएगी, केयरिंग कैपेसिटी। इसको किससे डिनोट किया जाता है, के से, के इसको बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं वहन क्षमता। तो आप बोलोगे सर केयरिंग कैपेसिटी होती क्या है, तो मैं आपको सिंपल समझाऊं, जैसे कोई रूम है, ठीक है, उसके अंदर 50 चेयर लगी हुई है, ठीक है, तो कितने लोग बैठ सकते हैं वहां पे, 50 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसी को हम यहाँ पे ग्राफ के रूप में, या फिर जो अभी हमने ये ग्राफ लिया इसके हिसाब से समझे, तो वहां पे कितने लोगों के लिए रिसोर्सेज है, बैठने के लिए सीट है 50 लोगों के लिए,
तो वहां पे आपने लोगों को भेजना स्टार्ट किया, 50 लोग बैठ गए। लेकिन जैसे ही 50 से ज्यादा आप भेजना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बैठने के लिए क्या होना लगेगा, कंपटीशन होना लगेगा। तो मैक्सिमम कितने लोग वहां बैठ सकते हैं, 50 लोग ही चेयर पे बैठ सकते हैं। तो 50 उस रूम की क्या हो गई, केयरिंग कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई 50 उस रूम की, केयरिंग कैपेसिटी हो गई। और ऐसे ही कोई भी इन्वायरमेंट या कोई भी इकोसिस्टम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वो उस एरिया की क्या कहलाएगी, उस एरिया की केयरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो उस एरिया की केयरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रिसोर्सेज क्या रहेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। उसके अलावा शेप कैसा आएगा, एस शेप आएगा। वरहल्स्ट और पर्ल ने इस इक्वेशन को दी थी, तो वरहल्स्ट पर्ल ग्रोथ या वरहल्स्ट पर्ल इक्वेशन बोलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो इक्वेशन है जिससे इसको डिनोट किया जाता है इस पूरे कर्व को, या इससे जिससे इसकी आगे कैलकुलेशन की जाती है, वो इक्वेशन है dn बाई dt। ये तो आपको पता ही है कितना चेंज हुआ, वो है rn। यहाँ तक तो सब पता ही है, ये तो एक्सपोनेंशियल के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आ गया है, फिक्स केयरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकते, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, प्रीडेटर भी हो सकते हैं, शिकारी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का एक पैरामीटर यहाँ पे आ जाता है K-n/k। तो इस वाले इक्वेशन से आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी किससे रिलेटेड, लॉजिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो dn by dt आपको पता ही है कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर पर यूनिट टाइम, r पता ही आपको पिछली स्लाइड पे बताया था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। कई बार सिंपल इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब आपको PYQ करेंगे तो पता चलेगा कि R को क्या कहते हैं, R को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर। N पॉपुलेशन है, K केयरिंग कैपेसिटी है, N पॉपुलेशन है, K यहाँ पे केयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये पूरा पैरामीटर K-n/k, इसको ये एक नई यहाँ पे पैरामीटर आया है K-n/k, इस पूरे पैरामीटर को बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं पर्यावरणीय प्रतिरोध। ठीक है, तो ये दो तरीके के ग्रोथ मॉडल्स हमने देख लिए, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, J-शेप वक्र आएगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, दूसरा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, S-शेप वक्र आएगा और जो रिसोर्सेज रहेंगे यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे, सीमित रहेंगे। ठीक है, तो ये शेप दोनों को अगर हम देखें, तो दोनों को अगर एक ग्राफ के अंदर देखें तो ये J-शेप है और इसको dn by dt equal to rn से डिनोट किया जाता है, और ये दूसरा जो कर्व है सिग्मोइडल या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, dn by dt equal to rn K-n/k से डिनोट किया जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी n, टाइम x एक्सिस पे लेते हैं। ये दो बातें मैंने यहाँ पे लिखी गई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब आएगा, जब रिसोर्सेज क्या रहेंगे, ठीक है, जब रिसोर्सेज क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे। ठीक है, या फिर रिसोर्सेज लिमिट नहीं करेंगे किसको, ग्रोथ को, तो कैसा कर्व देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, घातीय। ठीक है, जो वक्र है वो देखने को कैसा मिलेगा, घातीय वक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा वहन रिस्पॉन्स रिसोर्सेज, ठीक है, या रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्स नहीं है ना, ये क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में भी इसको चेंज कर लीजिए, हिंदी में ये क्या है, रिसोर्सेज यानी संसाधन। ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेज, ये मिसप्रिंटिंग है, रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, संसाधन। ठीक है, जब संसाधन लिमिटिंग नहीं होंगे
तो प्लॉट कैसे दिखने को मिलेगा, वक्र कैसा देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल। जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटिंग होंगे, सीमित होंगे, तो जो प्लॉट है वक्र है, जो प्लॉट है वक्र है वो कैसा देखने को मिलेगा हमें, लॉजिस्टिक, ठीक है, या फिर ऐसे। और एक्सपोनेंशियल में आपको पता ही है कैसे देखने को मिलता है, जैसे। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसके पूरे कंप्लीट नोट्स कंप्लीट हो गए, शॉर्ट नोट्स है ये, लेकिन मैंने चीजें यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे बताए हैं। यहाँ से लगभग 99% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, बाकी हम देखते हैं PYQ जब करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।